Hey guys, good morning. So in this small workshop, I'm going to be talking about certain spaces जिसमें बहुत अच्छे tailwinds हैं, ठीक है? And I'm also going to be taking a few names in each of the spaces so that आपको पूरा picture समझ में आ जाए, ठीक है? So the spaces that I'm going to be talking about are the jewelry space, second है आपका capital market space, third है आपका microfinance and fourth है आपका MSME space. तो ये जो चार स्पेस है जो मैं देख रहा हूँ, सिंस आई ट्रैक अ लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस 20-25 सेक्टर्स, आई कैन टेल यू ये तीन चार जो सेक्टर का नाम मैंने अभी बोला, इसमें से बहुत अच्छे टेलीविंड्स है, ठीक है? तो एक एक करके स्पेस का थोड़ा डिस्कस करेंगे और उनमें से सबसे अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स है जिनका हाई स्पेस ऑफ ग्रोथ है, जो एकदम केपेक्स मॉडल में है, राइट, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ज्वेलरी में करते हैं. तो ये जो ज्वेलरी का स्पेस है, आप देखो कि ज्वेलरी के स्पेस में जो इतना बड़ा जो ये टेलविंड आ रहा है, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ गोल्ड का हॉलमार्किंग का, ठीक है? आज आप देखोगे कि लाइक धीरे धीरे करके सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. गोल्ड हॉलमार्किंग का मतलब है गोल्ड का प्योरिटी. आपको आप चेक कैसे करोगे, अगर आपका वो जो गोल्ड जो आप खरीद रहे हो उसमें वो हॉलमार्किंग आईडी है कि नहीं. गॉट इट? तो इसके वजह से क्या हुआ है, जो भी आज रिटेल ऑर्गेनाइज प्लेयर्स था जिनका गोल्ड ऑलरेडी हॉलमार्क था, वो पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है. तो अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा भी एग्जांपल दे दूं कि क्वार्टर टू का भी बात करूं, तो टाइटन कंपनी ने 20% का अपना टॉपलाइन का ग्रोथ दिखाया, ठीक है, इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी स्पेस. अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का देखोगे, कल्याण ज्वेलर्स भी कुछ अप्रोक्सीमेटली ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, मतलब इंडिया और मिडिल ईस्ट में बेचते हैं ये लोग गोल्ड, ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस इन लोगों ने 27% से ग्रो किया है. अब ऑफकोर्स कल्याण का हायर पेस ऑफ ग्रोथ है देन टाइटन बिकॉज कल्याण का बेस छोटा है. और अगर आप देखोगे, कल्याण इज एक्सपेंडिंग स्टोर्स एट 35-40% CAGR. स्टोर एक्सपेंशन बहुत तगड़ा हो रहा है साउथ मार्केट से नॉन साउथ मार्केट में. और सारे स्टोर्स जो पहले कंपनी ऑपरेटेड हुआ करता था, अभी सब फ्रेंचाइज ऑपरेटेड हो रहा है. सो इससे क्या हो रहा है, कैपिटल लाइट मॉडल हो रहा है और एक्सपेंशन में पेस भी बढ़ रहा है, राइट. तीसरा आप देखोगे सेंको ज्वेलर, जिनका रिसेंटली आईपीओ आया, उनका भी क्वार्टर वन में दे ग्रू 29% ऑन अ वाईओवाई बेसिस एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग. मतलब वो तो कैलकाटा बेस्ड कंपनी था, मतलब अभी भी है, और अभी वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और पैन इंडिया हो रहा है. दूसरी साइड अगर आप देखोगे, स्काई गोल्ड करके एक कंपनी है जो एक B2B ज्वेलरी, मतलब B2B कैसे बताओ, ज्वेलरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है. मतलब लेट से अगर टाइटन को ज्वेलरी बनानी हो या सेनको या कल्याण को ज्वेलरी बनानी हो, तो ये स्काई गोल्ड क्या करते हैं, ये लोग ज्वेलरी इनको बना के देते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है. आप देखोगे स्काई गोल्ड का भी, अगर आप FY23 का डेटा देखोगे, तो FY23 में इनका कुछ अप्रोक्सीमेटली 1,200 करोड़ का टोटल टॉपलाइन था. ये लोग इतने अच्छे से केपेक्स कर रहे हैं और इतना अच्छा डिमांड देख रहे हैं कि ये मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि अगले 3 से 5 साल में इनका टॉपलाइन 5 गुना तक भी हो सकता है, अप टू 5,000 करोड़. तो इससे भी आपको पता चल गया कि ज्वेलरी में कितना बूम है. दूसरा चीज अगर आप देखोगे कि से फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी है रेडियंट कैश मैनेजमेंट करके, जो कैश लॉजिस्टिक्स, कैश इधर से उधर करता है, वो अभी नया एक, मतलब एक और सेगमेंट चालू किया है जिसमें से वो ये बोल रहा है कि वो ज्वेलरी का भी ट्रांसफर करेंगे. इसका क्या मतलब, अगर आप स्काई गोल्ड देखो या आप रेडियंट कैश देखोगे या आप कल्याण टाइटन सेनको जैसा कंपनीज का परफॉर्मेंस देखोगे, यू कैन अंडरस्टैंड. और अगर आप इन सारे कंपनीज को देखोगे, इनका गाइडेंस, इनका आउटलुक, बुलिशनेस बहुत स्ट्रांग है. तो ये हो गया पहला स्पेस. दूसरा स्पेस है कैपिटल मार्केट्स. ऑफ कोर्स जब बुल मार्केट होता है तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा करता है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग डीमैट ओपन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा IPO आते हैं. तो आप देखोगे ये पूरा स्पेस अच्छा करने लग गया है, राइट, बिकॉज पिछले 3-6 महीने से आप देख रहे हो कि एक बुल मार्केट चल रहा है, राइट, ये मिड एंड स्मॉल कैप में रैली चल रहा है. तो इसमें से अगर आप देखोगे तो सारे पूरा स्पेस ही अच्छा कर रहे हैं. लेकिन अगर आप देखोगे कि AMC स्पेस में बड़े बड़े कंपनीज लाइक HDFC, AMC, निपॉन, ये सब तो ठीक है, धीरे धीरे करके इनका ग्रोथ आ रहा है वापस, जो इतने सालों से नहीं था, पिछले 2-3-4 सालों से उतना नहीं था, इनमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ आ रहा है. बट मैं आपको बोलूंगा कि छोटे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को देखिए, मतलब क्या प्रूडेंट कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है और आनंद राठी वेल्थ करके एक और कंपनी है. इन दोनों को अगर आप देखोगे ना, ये सब इनके साइज छोटे है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है? ये क्या करते हैं, एक तरफ से लोगों को उठाते हैं, उनका पैसा उठाते हैं, उठा के AMC कंपनीज को देते हैं, ठीक है?
ठीक है। और एएमसी कंपनीज को, ये सारे कंपनी, ये दो कंपनी जितना भी एएमसी मतलब एयूएम उठा के दे, मतलब जितना पैसा उठा के दे, उसका एक परसेंटेज इनको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो अगर आप प्रूडेंट देखोगे, सो Q1 में प्रूडेंट 30% के ऊपर अपना AUM का ग्रो किया। और अगर आप आनंद राठी का नंबर्स देखोगे, सो Q2 FY24 का नंबर बता रहे हो, दो दिन पहले रिजल्ट आया था, इनका AUM का ग्रोथ हुआ 34% ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। सेल्स भी इनका, टॉप लाइन भी इनका 35% से बढ़ा, सो बहुत ही बढ़िया। दूसरे साइड अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट्स में, मुझे ब्रोकिंग स्पेस में एंजल वन बेस्ट लगता है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, सुपर ऐप बना लिया है, टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज में जा रहे हैं। तो बाय द वे, ये प्रूडेंट हो, ये आनंद राठी हो, या एंजल वन हो, इन सब में कॉमन एक चीज है कि सब टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में जा रहे हैं। एक तरफ आनंद राठी अपना जो जो आरएम्स है, रिलेशनशिप मैनेजर्स और मेंटर्स जिनको बोलते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा गांव के और भेज रहे हैं, और यहाँ पे एंजल वन क्या कर रहे हैं, अपना सुपर ऐप बना के अभी टायर 4, 5, 6 सिटीज के यंग कोहोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्पेस भी आप आराम से देखना, अच्छा कर रहा है। तीसरा जो स्पेस है वो है कि आपका एमएसएमई का स्पेस। तो एमएसएमई का स्पेस पे अगर आप देखोगे ना, कंपनीज लाइक यूग्रो कैपिटल हो गया, पूना वाला फिनकॉर्प हो गया, फिर आप देखोगे एसबीएफसी करके एक और कंपनी है, ठीक है, रिसेंटली उनका आईपीओ भी आया है। आप देखोगे ऐसे कंपनीज जो एमएसएमई और एसएमई में बुलिश है, इनका बहुत तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे यूग्रो और पूनावाला का आई थिंक एयूएम ग्रू 53% YOY इन Q2, और अगर आप यूग्रो का देखोगे द एयूएम ग्रू आई थिंक 73% YOY, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि लाइक आज ये एसएमई और एमएसएमई स्पेस में बहुत बड़ा बूम आया। उसका भी रीजन यही है कि अगर आप देखोगे जितना भी जीएसटी हो गया है ना, जीएसटी होने के बाद पूरा इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रहा है, और जीएसटी जिस छोटे कंपनी, अब एमएसएमई या एसएमई क्या है, छोटे छोटे बिजनेसेस, राइट। अब अगर आप एक छोटे बिजनेसेस में लेट्स से उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो ये बैंक्स के लिए, ये सारे एनबीएफसीज के लिए, ये स्पेस में लेंडिंग करना कितना आसान होगा ना, बिकॉज यू बी एबल टू कैलकुलेट के वॉल्यूम्स कहाँ पे हो रहा है, सप्लायर्स कौन है। तो जीएसटी में आप ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो ना, राइट। तो अगर आप जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड हो, राइट, तो इट्स ईजियर फॉर यू एज वेल एज एन एमएसएमई कंपनी टू रेज कैपिटल। आपको कम कॉस्ट ऑफ बोरिंग में भी पैसा मिलेगा, और जो आज जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है वो अपना मार्केट शेयर गंवा रहा है, राइट। तो इसी वजह से सिंस ये जो पूरा एमएसएमई का जो बूम है, जैसे मैंने बोला गोल्ड और ज्वेलरी स्पेस में वो जो बूम था वो मेजोरिटी आया है आपका इसमें से, क्या बोलते हैं, गोल्ड हॉलमार्किंग का। और यहां अगर आप देखोगे जीएसटी इज द मेन फैक्टर, ठीक है, जैसे ये यूग्रो हो गया, पूनावाला हो गया। और जो लास्ट सेगमेंट का जो बात करूंगा वो ऑफकोर्स है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कोविड से पहले और कोविड में बहुत धक्का खाया, लेकिन अभी उनका पूरा तगड़ा वापसी आया। तो अगर आप कोई भी कंपनी को देख लो, जैसे माइक्रो फाइनेंस बेस्ड, जैसे उज्जीवन को देख लो, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो जिसका एक अच्छा माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन है, फिर आप देखोगे IIFL फाइनेंस हो जाए, या फिर आप और भी देखोगे जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, राइट, फाइव स्टार माइक्रो फाइनेंस या अरमान फाइनेंशियल्स, आप ऐसे कंपनीज को देखोगे ना, इनका रिकॉर्ड AUM का ग्रोथ हो रहा है, रिकॉर्ड पैट का ग्रोथ हो रहा है, रिकॉर्ड डिसबर्सल हो रहा है। सो दिस इज वन मोर स्पेस, ठीक है, बिकॉज आज अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके सब ऐसे, ये जो भारत के साइड में है इन इंडिया टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में, तो यहाँ पे जितना एसएमई, एमएसएमई, एमएफआई, आप देखोगे ये सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस ऑफकोर्स वी थिंक अबाउट के लिए गांव के औरतों को ग्रुप लोन्स देते हैं, राइट, और उसमें से जो आज थोड़ा बहुत बिजनेस को बढ़ा के, लेट्स से फॉर एग्जांपल, फिर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी एमएसएमई में के भी लेंडिंग कर रहे हैं। मतलब सोचो आपने छोटे से बिजनेस चालू किया, फिर वो बड़ा हो गया, राइट, तो वही माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको आगे जाके एमएसएमई भी लेंडिंग करेगा। अब माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कितना है, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का टिकट साइज होता है लोन, और एमएसएमई लेंडिंग में टिकट साइज ज्यादा होता है। डिपेंड्स ऑफ कोर्स कि लाइक आप प्राइम कस्टमर हो या सब प्राइम हो, आप कौन से ज्योग्राफी से हो, आपका बिजनेस कैसा हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसा हो। तो ये जो चार स्पेस मैंने बताया आज, कैपिटल मार्केट्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, और फिर उसके बाद एमएसएमई एंड द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। तो अभी Q2 में अभी आप देख भी रहे हो कि इसमें से जो ज्वेलरी कंपनी या एमएसएमई कंपनीज का रिजल्ट है बहुत तगड़ा आ रहा है, और बाकी का भी जो आएगा, तो ये सारे स्पेसेस में बहुत अच्छा हेडविंड है। ऐसे कंपनीज को आप अच्छे से ट्रैक करो, राइट, फाइनेंशियल्स हो या नॉन फाइनेंशियल्स हो, बिकॉज मुझे लगता है मतलब क्या, मैं तो आपको विद फैक्ट्स बता दिया, राइट, कि लाइक ये स्पेसेस में कंपनीज अच्छा कर रहा है और वो क्यों अच्छा कर रहा है। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑफकोर्स आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगेन ऑफकोर्स आपको अगर मेरे से कोई कमेंट हो या कुछ आपको कोई ओपिनियन शेयर करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।